हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूडाइस प्लस में स्टूडेंट्स का आधार वैलिडेट कैसे करना है इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि आधार वैलिडेट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम गूगल साइट पर जाएंगे। इसके बाद इसमें यूडाइस टाइप करेंगे। यूडाइस टाइप करने के बाद जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आपका यहाँ देखिए यूडाइस आ जाएगा खुलकर, यूडाइस का पेज। इसमें सबसे पहले ऊपर देखिए यूडाइस प्लस लिखा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका पेज कुछ इस तरह से ओपन होगा। फिर यहाँ देखिए लिखा है सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा जिसमें हम HDMS मॉड्यूल में जाके अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे उत्तर प्रदेश, और उसके बाद हम गो करेंगे। गो करने के बाद हमारा इस तरह से पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन फॉर स्टूडेंट्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम HDMS मॉड्यूल। इस पर कहीं भी हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा यूडाइस पर साइन इन मांगेगा। हम किसी भी स्कूल का, इसमें एक विद्यालय का देखिए हम ओपन कर रहे हैं। इसमें पहले हम यूजर आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा डालेंगे। इसके बाद हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा जो ये विद्यालय है इसका यूडाइस HDMS हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह से पेज जब आपका आ जाएगा तो देखिए सबसे पहले कहाँ जाना है आपको। इसमें देखिए लिखा है यहाँ लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से सभी बच्चों का जो आपने इसमें यूडाइस में एंट्री किया है ओपन हो जाएंगे। उसके बाद देखिए हर बच्चे के आगे देखिए यहाँ लिखा है ब्लू कलर की पट्टी में वैलिडेट आधार फॉर नेम। इस पर क्लिक करिएगा। यदि इसमें आधार नंबर सही पड़ा होगा तो ये आधार आपका वैलिडेट हो जाएगा। अगर आधार नंबर सही नहीं होगा तो इसमें लिखकर आ जाएगा। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, बच्चों के गार्जियन से आप आधार सही कराने के लिए कहिए। बच्चे का जब आधार सही हो जाए इसके बाद उस बच्चे का आधार यहां आप अपडेट कर दीजिए, फिर आधार को वैलिडेट करेंगे तो आधार वैलिडेट हो जाएगा। ये देखिए लिखकर आ गया है, इसमें लिखकर आया है वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम UIDAI नेम आधार मिसमैच। देखिए आधार तो भी आपका ये वैलिडेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आधार में बच्चे का जो नाम एंट्री है उस नाम को मैच कर लीजिए कि जो नाम आपने यूडाइस में लिखा है वो मैच कर रहा है कि नहीं। दोनों नाम मैच करना चाहिए तभी आपका आधार वैलिडेट होगा। उसके बाद देखिए हम दूसरा, इसका नहीं हुआ, जो दूसरे बच्चे का हम दिखा दे रहे हैं कि ये बच्चा है, ऊपर इसका नहीं हो रहा था, देखते हैं। ये देखिए ग्रीन, जब आपका जो ये वेरीफाइड हो जाएगा तो यहाँ ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI। इसके बाद इसी तरह से आपको सभी स्टूडेंट्स का एक एक करके आधार वैलिडेट कर देना है। इसका भी जो है आधार, बच्चे की जो एंट्री की है नाम का, वो आधार का नाम मैच नहीं कर रहा है इसलिए इस तरह से लिखकर आ रहा है। देखिए इसमें आपका मैच कर गया इसलिए इसमें ग्रीन कलर की पट्टी में लिखकर आ गया वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI। ये देखिए इसका भी हो गया, ये देखिए इस बच्चे का भी हो गया, इस बच्चे का भी हो गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आधार वैलिडेट कैसे करना है यूडाइस पर ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से सभी बच्चों का आधार जब वैलिडेट हो जाएगा फिर आप यहां से लॉग आउट कर दीजिएगा और फिर आपका ये कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।